एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू बीन्स की झटपट इजी सी सब्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मस्टर्ड ऑयल को गरम होना रख दिया है। यह हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा भुनने की इंतजार करते हैं। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में और बहुत ही आसान सी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। जैसे ही जीरा हमारा ये भुनना शुरू हो जाए, हम डालेंगे इसमें ये 2 कटा हुआ प्याज जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। पहले मैंने चॉपर में गाजर चॉप की थी, इसलिए गाजर के चंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है, रफली चॉप किया है। और अब हम प्याज को भूनने के बाद आपसे मिलते हैं। जब तक प्याज भुन रही है, मैं आपको दिखा दूं, मैंने बीन्स को ऐसे बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 400 ग्राम बीन ली हैं। आलू को भी हमने 2 बड़े आलू को बारीक काट लिया है, इस तरह से पानी में डाल रखा है ताकि ये काला ना पड़े। तो सबसे पहले आप ये सारी तैयारी करके रख लें और उसके बाद आप सब्जी छौंकें। प्याज अच्छा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ना ये 5 कलियां लहसुन की कुटी हुई डाल देंगे। इनको हमने क्रश कर लिया है, कूट लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और मिक्स करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। जब ये इस तरह से भुन जाए तो हम डालेंगे इसमें ये बीन्स जो हमने काट के रखी हैं, आलू, दो बड़े आलू हमने लिए हैं और इनको अब करेंगे मिक्स। एक दो मिनट के लिए ना हमने भूनना है, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखा कीजिए कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं। ये देखिए, जब हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट भून लेंगे, फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये आलू अच्छे से गल गए हैं। हमने बीच बीच में इसको चलाते रहे हैं और ये बिल्कुल गल गई है सब्जी। अब हम डालेंगे इसमें ये किचन किंग मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। रेड चिल्ली पाउडर, कलर वाली कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। और अब लास्ट में डालेंगे हम इसमें ये 2 पिंच अमचूर पाउडर। आप अगर अमचूर पाउडर नहीं खाते हैं तो आप नींबू डाल सकते हैं लास्ट में। थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून के करीब, घर का कुटा हुआ है इसलिए मैं इसमें कम डाल रही हूँ। और इस तरह से सब्जी बनाने में ना जो बीन्स का फ्लेवर है ना वो बिल्कुल एज इट इज रहता है। ये हम 1 चम्मच डाल रहे हैं देसी घी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारी ये यम्मी सी सब्जी बनकर तैयार है ना मज़ेदार, बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से गल गई है और बस ना नीचे लगी है, देखिए आप अच्छे से, और सूखी सूखी बनी है। तो आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए। आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए, हमने धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। कितनी यमी ये सब्जी बनी है आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर से मेरी बनी हुई सब्जी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।